है, पॉइंट ये है, सपोज करो आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, मास m है, और लेट अस सपोज ये मास m को मैं ऊपर ले आता हूँ हाइट h, ग्रेविटी की फोर्स कहाँ पर है, नीचे, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, माइनस एम जे, बताया ना ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो आंसर क्या होगा, माइनस एम जी एच। अब किसी ने कहा कि नहीं नहीं एक काम करो, इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा के नीचे ले आओ, पहले ऊपर ले जाओ फिर नीचे ले आओ, नीचे लाने में जो वर्क डन की वैल्यू आएगी ग्रेविटी की वो क्या आएगी, प्लस एम जी एच, और नेट वर्क डन आने और जाने का क्या होगा, जीरो। और ये पहली प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव फोर्सेस की। कंजर्वेटिव फोर्सेस में अगर आप राउंड ट्रिप लगाते हो, जहां से स्टार्ट हुए ऊपर जाके नीचे लेके आते हो, आपका वर्क डन हमेशा जीरो आएगा। तो ऑब्जेक्टिव आएगा पेपर में, व्हाट इज अमाउंट ऑफ नेट वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप आने और जाने का इन अ कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम, तो आंसर क्या लिखेंगे, सीधा जीरो। तो बात समझ में आती है यहां तक, तो अगर जीरो आता है तो वो कंजर्वेटिव ही है, और अगर जीरो नहीं आता वो नॉन कंजर्वेटिव है। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। अगर आपको याद हो पिछली असाइनमेंट का एक क्वेश्चन था, मेरी हैंड रिटन शीट का क्वेश्चन था, जिसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल किया था कि एक बॉडी को आप इंक्लाइन प्लेन के पहले ऊपर लेके जाएं और फिर आप वापस नीचे लेके आएं। आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे तीन चार पार्ट थे, मेरी हैंड रिटन शीट के अंदर था, तो उसके अंदर मैंने ये चीज़ बताई नहीं थी, हालांकि मैं बहुत लंबे तरीके से सॉल्व कर रहा था, चाहता तो एक सेकंड में कर भी देता, अब एक सेकंड में करूँगा, वो लंबा तरीका आज के बाद फॉलो ही नहीं करेंगे। वो क्या, जब आप ऊपर लेके जा रहे हैं तो ग्रेविटी की कौन सी फोर्स इसको नीचे खींच रही है, एम जी, और आते हुए एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा अपनी डायरेक्शन को चेंज कहाँ करती है, वो तो हमेशा नीचे है। अब तुम ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर लेके जा रहे हो, ग्रेविटी के अगेंस्ट नीचे लेके आ रहे हो, तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन आने और जाने का क्या लिखा जाएगा, तो उसको मैंने सॉल्व करके दिखाया था, सॉल्व करने की तो जरूरत थी नहीं, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन आने और जाने का जीरो होगा। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक। अब आपको याद होगा फ्रिक्शन के अंदर वर्क डन निकाला था, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इसी के अंदर फ्रिक्शन के अंदर वर्क डन क्या था, माइनस जाने के वक्त इतना और आने के वक्त भी एग्जैक्टली इतना ही, तो आंसर क्या आया था, इतना आंसर आया था, याद है, चेक कर सकते हो शीट, ट्वाइस जीरो नहीं आया था, और जीरो नहीं आया था इसका मतलब नॉन कंजर्वेटिव है, क्योंकि टू एंड फ्रो जाने का वर्क डन जीरो नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव है, ग्रेविटी में जीरो था तो वो कंजर्वेटिव है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो आज के बाद राउंड ट्रिप का क्वेश्चन आ जाए आने और जाने का, और तुमसे कोई वर्क डन पूछ ले ग्रेविटी अगेंस्ट, मैं कह रहा हूँ जितनी मर्जी बातें कर ले, म्यू दे, कन्फ्यूज करने के लिए वो क्वेश्चन बहुत था, लेकिन आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने जीरो मार्क कर देना, बात ही खत्म, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी।